वंचित बहुजन आघाडीचे बीड लोकसभेचे उमेदवार अशोक सुखदेव हिंगे यांना मुजम्मिल पटेल मित्र मंडळ माजलगाव तर्फे जाहीर पाठिंबा देण्यात आले असून धडाडीचे युवा नेतृत्व मुजम्मिल पटेल यांच्या नेतृत्वात अशोक हिंगे यांच्या प्रचारात भव्य रैली व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने माजलगाव व परिसरातील लोकांनी उपस्थिती दर्शवली। यावेळी मुजम्मिल पटेल यांनी आपल्या भाषणात अल्पसंख्याक व बहुजन समाजाचे विविध मुद्दे उपस्थित केले। आज जो लोकसभा के हमारे उम्मीदवार है अशोक हिंगे पाटिल साहब, इनकी जाहिर सभा और हमारा जाहिर पाठिंबे के अवसर पर स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा की निवडणूक के एक मुकाम पर पहुंच चुके और मैंने जो ये बीजेपी भी मैदान में है, एक तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की आजादी है वो भी मैदान में है और इन तमाम पार्टियों की मौजूदगी के बाद हम देख आजादी ने अपना उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन इलेक्शन से पहले मैंने मुस्लिम या तो दलित को उम्मीदवार दे, साढ़े 3 लाख वोट मुसलमानों का है, 2.5 लाख दलितों का है, लेकिन नहीं दिया गया। फिर भी हम लोग खामोश थे, देख रहे थे कि क्या होता है, लेकिन मेरी नजर आज अंबेडकर साहब की तरफ थी। एक वाहिद मर्द मुजाहिद है जो इंसाफ देने का काम करता है, इंसाफ करने का काम करता है। हम लोग ये देख रहे थे कि उम्मीदवारी किसको मिलेगी। जब अशोक भाव का नाम मैदान में आया तो मैंने कहा कि सही ढंग से साहब ने इस मरतबा सही इंसान को भीड़ जिले के अंदर इनके मुकाबले के लिए उतारा है। आप पूछेंगे क्यों? आज से 5 साल पहले हम लोगों को डरा करके, धमका करके हमारा वोट मांगा गया। 5 साल तक कोई हमको पूछने के लिए नहीं आता कि बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, लेकिन 5 साल जब लोकसभा के इलेक्शन करीब आता अरे वहां पर आपको बीजेपी है और बीजेपी को रोकना पड़ेगा ना, बीजेपी को रोकना पड़ेगा ना, फिर क्या करने का बीजेपी को रोकने का? तो फिर क्या है कि अच्छे अच्छे सूझबूझ रखने वाले लोग अपनी जबानों से ये अल्फाज निकालते हैं कि भाई एक ईंट है और एक पत्थर है। अरे बाबा, ईंट से भी सिर फूटता और पत्थर से भी सिर फूटता। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि दो जालिम खड़े हैं, एक कम जालिम है, दूसरा ज्यादा जालिम है, कम जालिम का साथ दो। अरे तुमको कब कहा गया ये जालिम का साथ दो? तुमको तो कहा गया कि मजलूम का साथ दो। वकील सलमान मंजूरपुरी का फतवा है, आप सुन लो, ये वोट वाजिब है और वाजिब का सौदा करना गुनाह है और वादे ना तो सेकुलर है, बस फैक्ट पे बात करने के लिए आया। आज मुझे जज्बाती तकरीर नहीं करना है, बस फैक्ट पे बात करने के लिए आया। हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, 25 सालों से देख रहे हैं, बीजेपी के नाम से दबा करके वोट मारने की कोशिश हो रही। मुसलमानों दलितों याद रखो, आज दलितों की हिम्मत है, अंबेडकर वादियों की कीमत है, प्रकाश अंबेडकर साहब की कीमत है। इसकी वजह है कि प्रकाश अंबेडकर 1 लाख वोट देकर के बताता है, होता क्या है 1 लाख वोट देने के बाद कि उनके खानों में छुट्टी हुई आगाड़ी आती कि साहब 3 सीट ले लो, 4 सीट ले लो, 2 सीट ले लो, लेकिन हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता उनका इसलिए बोल आता है कि कांग्रेस को हमारा वोट चाहिए, कांग्रेस को हमारा उम्मीदवार नहीं चाहिए। खड़े के पीछे से मार रहा है, सामने वाले दुश्मन को मुकाबला
जीतने वाले दुश्मन का कौन करेगा मुकाबला? गफलत में है। लोकसभा के अंदर तीन तलाक का बिल, तीन तलाक जो हमारी शरीयत के अंदर मुदाखिल हुई, तीन तलाक का बिल लाया गया बीजेपी ने। बीजेपी तो हमारे दुश्मन है, उसकी मजम्मत है, हजार बार मजम्मत है। लेकिन जब बिल लाया गया उनका कहना था उनकी मेजोरिटी थी, उन्होंने बात कोई भी बिल को पास होने के लिए राज्यसभा में जाना पड़ता। और जब फिर राज्यसभा में गया तो वहां पर बीजेपी अलायंस की बहुमत नहीं था, वहां पर बहुमत था कांग्रेस की अलायंस का। लेकिन आप लोग देखो, आज भी दुबई में जाके देखो कि हम लोग बोल रहे हैं हमारे शरीयत में मदाखियत, अरे एक बार सामने से कर रहे हैं, लेकिन छुपकर कराए बता रहा हूं आपको। जब राज्यसभा में मिल गया तो राज्यसभा में मिल जाने के बाद राष्ट्रवादी के तो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल गैर हाजिर, छुट्टी मारे। कांग्रेस के पास छुट्टी मारे समाजवादी के लोग, ये तमाम लोगों ने गैर हाजिर रखे और बीजेपी को बता के साहब राज्यसभा में भी पास कर लो, हमको तो मुसलमानों को ऐसे भी खत्म करना है। और वो खाता राज्यसभा में जाकर के पास हुआ। अरे ये सवाल जो शरद पवार से कौन करेगा? मुझे आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पत्थर की जिंदगी जी रहे, ईट और पत्थर की मिसाल दे रहे, अरे शाही की तरह कैसी मिसाल दे रहे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमको तो तारक का भी तरीका बताया गया कि तारक सुनाया कि मुसलमान एक दूसरे द्वारा नहीं डरता, हमको 70 सालों से डरते हैं और हमारा और हमारा बुका जो क्या हो रहा है 70 साल से डरा करके अंदर है। अरे तकबीर, काम कर रहा, पैसे लिया होगा। प्रकाश अंबेडकर साहब मैंने थे, सुन लो फैक्ट पे बात कर रहा हूं। ये तो हो गया तीन तलाक का मसला, इन्होंने शरीयत को बाहर से खत्म करे, उन्होंने अंदर से सीए और एनआरसी का। आज जो उद्धव ठाकरे साहब को तुम सैकड़ों मान करके उनको पार्टी में दे रहे, उनके लिए जाहिर सभाएं ले रहे, यही शिवसेना थी जिसने राज्यसभा के अंदर वॉकआउट करके अपने 9 मेंबरों को लेकर के चले गए। वहां पर एससी एनआरसी का कायदा लागू हुआ। हम लोग सब तो दफ्तर से जिंदगी गुजारे। अब मुझे बताओ, एक डॉक्टर है, 5 साल तक एमबीबीएस की डिग्री ले रहा, 7 साल तक डिग्री ले रहा, तुम लोग दवा डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इमरान है, डॉक्टर शाकिर है, डॉक्टर मुकीद है, इनके पास जा रहे इंजेक्शन ले रहे, गोलियां ले रहे, दवा ले रहे, क्यों? अरे उन्हें उसके लिए मेहनत करा ना, ग्राउंड पे उतर के मेहनत करा। फिर बाबा जब वोट देने की बात आ रही तो देखो ना, 5 साल तक कौन काम कर रहा रोड पे उतर के? मुजम्मिल पटेल को तो 12 बजे भी बुलाते ना तुम लोग, बुलाते नहीं बुलाते, बुलाते नहीं बुलाते। दूसरी बात, ये तमाम चीजों को हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि सोचना है और समझना है। आज 48 सीटों पर उम्मीदवारी नहीं देके कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने यह बताया कि मुसलमानों तुम्हारा राजकीय अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पर आयोजन ना बाबा क्या बोलिए उठिए नको, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही, कागज दादा कागे रहना बीजेपी में। बजरंग सोनू ने इलेक्शन का फॉर्म डिक्लेयर होने के 3 दिन पहले था अजीत पवार गढ़ में बीजेपी के साथ बैठा था, नहीं बैठा था, अपने दोनों कारखाने का एक्सटेंशन करके लिया। पर्दे के पीछे का भी देखो, दोनों कारखाने का एक्सटेंशन कर लिया और तुम कुछ आगे के साथ बोलो। इलेक्शन होने के बाद यही शरद पवार, यही बजरंग सोनू ने अगर जो बीजेपी के साथ नहीं गए तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। क्या नहीं जा रहे क्या बोलोगे? अब तुम लोग सुन रहे हो, ऐसे ही मंत्री को भी 15% तो देना पड़ते होंगे ना, 10% बदल लिया। 13,000 करोड़ का बजट था रामदास आठवले के मंत्रालय, उसमें से 10% आगे से बदल दिए तो 1300 करोड़ हटने के लिए होते। 1300 करोड़ एक साल के लिए केंद्रीय मिनिस्टर को बजट आता और 5 साल के आगे बदल लिए तो 6,500 करोड़ रुपए। अरे तुमको ये बात मैं लिख करके दे रहा हूँ, प्रकाश अम्बेडकर से भी का प्रधानमंत्री हो, अगर से उन्होंने फोन लगा और अगर इतना भी बोल दिए कि मुझे तुम्हारे साथ अलायंस में आना
कदमों की धूल चाटते हुए भागते हैं ये और चार मिनट में हम सुनी। अब मुझे बताओ एक मिनिस्टर को अगर के 6,000 और 6,500 करोड़ का कमाई हुई 5 साल में तो 5 मिनिस्टर की उन्हें कितनी कमाई करेगा? कुछ भी उठाए सवाल लगा दिए कि उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर से बीजेपी और राष्ट्रवादी और कांग्रेस और तमाम चीजों को रोक करके तुम्हारी ताकत अगर बताना है, तुम्हारी आवाज बुलंद करना है तो प्रकाश अम्बेडकर साहब के नंबर उम्मीदवार को मजबूती से आवाज मुझे तो जिताना पड़ेगा। वो क्यों उठता है यहाँ प्रकाश अम्बेडकर साहब बंबई के अंदर आंदोलन कर रहे मुसलमानों के? तीसरा समझता है प्रकाश अम्बेडकर साहब आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद औरंगजेब आलमगीर के नाम से महाराष्ट्र के अंदर चंगे लड़ाने की साजिश की गई, मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की साजिश की गई, हमारे नौजवानों को उठाकर जेलों में भर दिया गया। उसके बाद कौन आया? सिर्फ एक वाहन मर्द मुजाहिद था जो औरंगजेब आलमगीर के खबर पर गया और माटी के अंदर काम राष्ट्रवादी क्या अगर माशा शिवसेना का निजर पार्टी पार्टी असम कर मरा अभिमान है तुझा अभिमान है हम लोग पूरे नहीं बोला चेबर हो गया। याद रखो अगर से संविधान को बचाना है तो वो सिर्फ एक ही शख्स बचा किसके पास आए हो किसके पास आया? अरे ऐसे छुट्टियां बजाते हो बोल रहा मुसलमानों क्या बढ़िया है तुम्हारे पास भीड़ के अंदर जाओ पूछो क्या बढ़िया है तुम्हारे माइक्राम से मिलने को गया वरना मिलने को भी तैयार नहीं। ये तमाम चीजों को सोचो भारतीय जनता पार्टी का तो विषय नहीं होता उनके हम खिलाफ थे हैं और इंशाल्लाह मरे तक रहेंगे। सभा के अंदर सब समाज के आरक्षण की बात हुई, दंगल समाज को आरक्षण देता, लकड़ी वतन डालता है, लमानी समाज को आरक्षण देता, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? उनको मालूम है ये खौफ को डराओ, बीजेपी के नाम से डराओ, ये झटमा ये कुछ भी करके करेंगे। मेरी बात को याद रखो, दानिश वालों से उलमाए कलाम का मकाम ये सर पे है, हम उनके पैर की धूल भी बराबर भी नहीं है और हम उनके उनकी ही चीज को मान करके काम करेंगे। मतलब क्या? फिर देखो आने वाली असेंबली, मैं जाने के साथ बोलता हूँ 48 सीट अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और बीजेपी ने अगर मुसलमानों को डिक्लेयर नहीं करी ना तो फिर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मगर आज तुमको प्रकाश अम्बेडकर साहब को देकर के बताना पड़ेगा, ये अगर नहीं करेंगे तो याद रखो लम्हों ने सजा की थी, सदियों सजा पाती, 70 साल से इनकी गुलामी कर रहे, लेकिन तुम लोग देखो कि आज हमारे साथ क्या हालात हो रहे हैं। आरक्षण दिया गया, ये तो वर्ष टूरिज्म का संबंध है, आज तक ये रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं निकाला शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने आज ने ये निकाल सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी पॉलिसी को समझे। देखो औरंगाबाद के अंदर ये पिछले इलेक्शन से पहले मुसलमानों के लाइनों को मानने भी नहीं था कि यहाँ का आमदार मुसलमान का था। क्या करे इनके रिलीजन हमसे आगे ना क्योंकि तो ये प्रकाश अम्बेडकर साहब का कारनामा, हम लोगों का भी ये काम बनता है कि आज हमारे दरमियान में जो सीट खड़ा है अशोक हिंगे साहब, ये कोई आम आदमी नहीं है। जब भी आंदोलन होते आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने आंदोलन किया शाहीन बाग के नाम से 2 महीने आंदोलन चला, कोई कांग्रेस का नेता कोई राष्ट्रवादी का नेता पार्टी में देने भी नहीं आया, लेकिन अशोक हिंगे साहब पीर से माजर हुआ उनको देना भी लोकसभा ले दूंगा। लीडर किसको बोलते हैं? लीडर वो होता है जो हालात के ऊपर फैसला करे और हालात के देगा। कौन बिठाया? सब लोग अपने मिलों में छुप गए, हम अकेले थे कि हाजी कबीर की दुकान है पूछ लो। मैंने मेरे घरवाली का सोना 3.5 लाख रुपए का कोड़ा और मालिक उनसे डॉक्टर बुलाया और मुसलमानों के लिए कम से कम पैसों में इलाज का इंतजाम करे, 50 रुपए में 20 मेडिसिन चलाए गए उनसे राजशिकर ले आई, लोगों को बेच नहीं मिल रहे थे। आपको मैं कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर एसराज गुंजर कार्यालय के अंदर 1 करोड़ रुपए खर्चा करके कोविड सेंटर हमारा स्कूल बन रहा है जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, 11 का एडमिशन होगा इस साल। और काम है और काम को समझो, गफलत की जिंदगी मत जियो, 5 साल से हमको फेस करना पड़ रहा, कैसे लेवल से करना पड़ रहा, इसके लिए हमारे पीछे ताकत मर्द की ताकत होना और प्रकाश अम्बेडकर मर्द का बच्चा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी जब कांग्रेस से दरवाजे बंद कर दीजिए ना, मैं खिड़की से अंदर भेजे थे और आज भी हमारा काम है अशोक हिंगे साहब को खिड़की के जरिए से अंदर भेजे। और जो बता रहे तुम क्या एंगल किया? अरे क्यों नहीं एंगल? तुम भी बता जाए मराठा समाज को और भी अशोक भाव के साथ है, मुसलमान का वोट अगर से साथ आता है तो आपको सारे के साथ कह दो, बिल्कुल हमारा उम्मीदवार जीतेगा।
मौका दिया और टाइम भी दिया। मैंने कहा कि हमारे लोगों से मिलो, दानिशवरों से मिलो, उमाइक्राम से मिलो, उनको समझाओ हमारे पास हमको कुछ लोग आकर के काम में घटा दे रहे कि बीजेपी आ जाएंगे, हमारे जन्म मेरा घटा आ जा रहा है। आप समझाओ किस तरह से लॉजिक करके हमारा सीट आ रहा है बताइए। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि अशोक को हमारा विनिंग कैंडिडेट है, आप तमाम से अपील है कि याद रखो अगर से आज हम यहाँ पर लोकसभा को उम्मीदवार को अगर से वोट देंगे बूथ वाइज हर चीज की डिटेल आती है, मैं बोल दूंगा आप वोट दे रहे लेकिन जब बूथ खुलेंगे यहाँ वोट नहीं तो बाबू नहीं ऐसा कैसा भाई। अरे तुमको हमारा साथ होना और वोट मांगे तो नहीं होना, अगर जी हमारे साथ आने वाले दिनों के अंदर हालात और खराब होने वाले और इस टाइम में अगर हमारे साथ कोई होना तो हमको अमेरिका साथ था और अमेरिका वालों का साथ होना तो हमारे साथ है, हमारे किसानों का अमेरिका साथ है। एक बार हमारे वास्ते वोट करो और अशोक भाव को वोट डाल करके गैस के बटन को डाल करके बताओ आने वाली विधानसभा इंशाल्लाह यहाँ से वंचित आगामी को उम्मीदवार मुसलमान के सेकंड में मिल सकता है तो ऐवान के अंदर तुम्हारी आवाज लेकर के बात खत्म करूंगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर डर होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ डर नहीं होगा। विरोध आया खत्म हुआ, नमरूद आया खत्म हुआ, अल्लाह की ताकत अगर हमारे साथ है तो अगर नमाज पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ऐसे तुंतु ने झुंझुन ने मोदी के जैसे कितने भी नफर की चला देगा। ईमान वाला सामने जा रहा है जब तक ये चंद पड़ने वाला अगर से हमारे जो इस दुनिया के अंदर अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला इस दुनिया के निजाम को चलाएंगे, जिस दिन भी ईमान वाला नहीं ये दुनिया खत्म है। अंजाम में वफा क्या है सोचा नहीं करते, अंजाम में वफा क्या है सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। ये हौसला दिया है इस्लाम ने, ये सब सजने में होकर तलवार की परवाह नहीं करते।